तो ये है Corsair M55 RGB Pro। ये गेमिंग माउस है। वैसे तो Corsair काफ़ी सारे गेमिंग माउस बनाती है हर बजट लेवल के लिए, लेकिन ये एक एंट्री लेवल गेमिंग माउस है। अब माउस में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए होता तो है नहीं, तो इसे अनबॉक्स करके हम ले लेते हैं। तो बॉक्स में वैसे हमें ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो हमें बस एक माउस मिलता है और माउस के साथ में हमें एक इधर मैनुअल मिलती है। तो मैनुअल को हम रखते हैं साइड में और उसके बाद देखते हैं माउस को। तो माउस की ये प्लास्टिक जो है हम इसे निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो माउस हमें फुल ब्लैक कलर का जो है इधर देखने मिलता है, और अगर हम माउस के नीचे देखें तो यहाँ पर हमें एक Corsair का लोगो देखने मिलता है जो कि एक RGB लोगो है। अब डिज़ाइंस की बात करें तो यहाँ पर हमें फुल मैट ब्लैक जो कलर है इसका माउस का देखने मिलता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साइड में हमें कुछ ग्रिप्स दी जाती है जिससे कि आपको इसे पकड़ने में काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी ग्रिपी रहेगा आपके हाथों में, और ये आपके हाथों से फिसलेगा नहीं। आप लॉन्ग गेमिंग सेशंस में इसे यूज़ कर सकते हो। इस माउस की सबसे खास बात यह है कि आप इसे दोनों हाथों से जो है वो यूज़ में ले सकते हो। पर्टिकुलरली आपको इधर दो बटन लेफ्ट साइड में दिए जाते हैं और दो बटन जो है आपको राइट साइड में भी दिए जाते हैं, जिससे कि अगर आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड यूज़र हो तो आप उसके हिसाब से अपने माउस को यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली ये दोनों हाथों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और प्लस आपको बटन भी दोनों साइड पर दिए जाते हैं, तो टेक्निकली भी आप इसे दोनों हाथों से यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें व्हील पर कुछ एक ग्रिप टाइप मिलता है, जिससे कि आपको स्क्रोलिंग के टाइम पर जो आपकी व्हील है उस पर काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है। उसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक DPI चेंज का बटन मिलता है, जिससे कि आप अपनी DPI को बढ़ा सकते हो, और उसी DPI के बटन के आगे हमें एक छोटी सी LED मिलती है जो कि आपको इंडिकेट करती है कि आप कौन से DPI सेटिंग्स पर हो फिलहाल। बिकॉज जब भी आप इसमें DPI चेंज करते हो तो वो आपकी जो LED है उसका भी जो कलर है वो चेंज होते रहता है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी DPI जो है वो चेंज हो रही है, और कौन सी DPI किस सेटिंग्स पर है। आप बेसिकली इसकी DPI की जो कलर्स हैं उसको भी सेट कर सकते हो इनके सॉफ्टवेयर में जाके। सॉफ्टवेयर के बारे में वैसे बाद में बात करेंगे। ओवरऑल माउस की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और अगर आप हैवी माउस प्रेफर करते हो तो मैं आपको ये ज़रा भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज ये काफ़ी हल्का है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद होते हैं। मैं पर्टिकुलरली हैवी माउस प्रेफर करता हूँ, तो मुझे इसका वेट इतना कुछ खास नहीं लगा। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल मैट कलर आपको मिलता है। इसमें एक और वेरियंट आता है जो कि आपको वाइट कलर में मिलता है, और आपको सेम मटीरियल वहाँ पर भी देखने मिल जाता है। केबल की बात करें तो यहाँ पर हमें ब्रेडेड केबल मिलते हैं, और थोड़ा अच्छा केबल इस्तेमाल हो सकता था इधर मेरे हिसाब से, लेकिन चलो कोई नहीं, ब्रेडेड केबल तो एटलीस्ट हमें इधर देखने मिल रहा है। ओवरऑल कंफर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस माउस का, और लॉन्ग गेमिंग सेशंस में आपको काफ़ी जो है कंफर्टेबल लगेगा। काफ़ी अच्छा जो आपका पाम सपोर्ट है इस माउस में हमें मिल जाता है, और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए आप इसमें गेमिंग जो है वो कर पाओगे, और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के आप बाकी सारे काम भी इसमें कर पाओगे। वैसे माउस काफ़ी हल्का है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का नहीं बोलूँगा मैं, जो चीप हमारे हल्के माउस आते हैं वैसा हल्का नहीं है। थोड़ा वेट है इसमें, लेकिन उस तरीके का हल्का नहीं है जैसा कि मुझे पसंद आता है एटलीस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका वेट काफ़ी सही लगेगा। काफ़ी रीजनेबल अमाउंट ऑफ वेट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें इस माउस में। उसके अलावा DPI की बात करें तो काफ़ी हाई जो है हमें इधर DPI मिल रही है। 12,400 की DPI जो है हमें इधर मिल रहा है, और ये DPI जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है चेंज कर सकते हो। सो अगर आप 4K वगैरह कुछ मॉनिटर, बड़े मॉनिटर यूज़ कर रहे हो अच्छी रेजोल्यूशन वाले, तो आपको ये हाई DPI ज़रूर से ज़रूर जो है आपको यूज़ में आएगी। लेकिन जो 1080p 720p मॉनिटर यूज़ कर रहे हो उनके लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हाँ, लेकिन सिनारियोज अलग अलग होते हैं, गेमिंग प्रेफरेंस के हिसाब से भी आप इतना ज़्यादा जो है DPI प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर कोई चीप स्विच जो है वो नहीं लगी हुई है,
बेसिकली इधर ओमरॉन की स्विचेस है जो हमने इससे पहले असूस के गेमिंग माउस में देखी थी हमारे ही चैनल पर, तो वो एक बहुत अच्छा जो है माउस मुझे लगा था। और उसके बाद ये जो सेकंड माउस है इसकी भी मुझे क्लिक्स जो है वो बहुत अच्छी लगी है। आजकल के जो माउस आ रहे हैं फिलहाल के टाइम पे वो बहुत अच्छी स्विचेस जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहीं यहाँ पर कॉर्सेयर ने भी इस्तेमाल की है ओमरॉन की स्विचेस जो कि एक बहुत ही अच्छी स्विच मानी जाती है इंडस्ट्री में। प्लस ये जो पर्टिकुलर स्विचेस इसमें हमें प्रोवाइड की गई है ये 50 मिलियन क्लिक्स जो है आपको रेटेड मिल जाती है इधर, मतलब आप 50 मिलियन बार जो है इसे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद में अगर ख़राब होनी है तो होगी और अगर नहीं होनी है तो वो भी नहीं होगी, मतलब चलते रहेगा उसके बाद भी जो आपका माउस बहुत अच्छी तरीके से। और ओमरॉन की स्विचेस वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है मानी जाती है, बहुत सारे गेमिंग माउस आजकल ओमरॉन की स्विचेस जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक माउस किया था असूस का रिव्यू, उसके अंदर भी हमें जो है ओमरॉन की स्विचेस मिलती है और बेसिकली मुझे उसका फील जो है बहुत अच्छा लगा था क्लिक्स का, और इसमें भी हमें सेम वैसे ही फील देखने मिल जाता है। सो अगर हम इंटरनल्स की बात कर रहे हैं तो एक ज़रा सेंसर पर भी नज़र मार लेते हैं। अब कॉर्सन यहाँ पर एक एंट्री लेवल सेंसर यूज़ कर रहा है जिसका नाम है पिक्स आर्ट PMW3327। सो ये जो पर्टिकुलर सेंसर है बेसिकली ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन सेंसर नहीं है, लेकिन हाँ इतना अच्छा है कि आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग करवा देगा और आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि आप बोलोगे कि मैं इस माउस की वजह से जो है हार रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे जो इंथुजियस लेवल के लोग हैं अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बोलेंगे कि ये माउस अच्छा नहीं है बिकॉज इसका जो लिफ्ट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, जो आपको फ्लिक शॉट लेने में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी दिक्कत ज़रूर देगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी गेमिंग मतलब करना चाहते हो, एकदम एक्सपर्ट लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, तो मैं आपको ये माउस जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। इस प्राइस पॉइंट में आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन जो है सेंसर मिल जाएंगे, लेकिन चीप कंपनी या तो फिर कोई और कंपनी जो इस प्राइस पॉइंट में आपको प्रोवाइड कर रही है बेसिकली। अब और भी कंपनीज है जो सेम प्राइस पॉइंट में आपको थोड़े अच्छे सेंसर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एक कॉर्सर थोड़ा महंगा वैल्यू वाला ब्रांड है जिसकी वजह से इनकी जो मार्केट वैल्यू है थोड़ी ज़्यादा है बाकी सब ब्रांड से, तो ऑब्वियसली वो भी मैटर करती है। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछो सेंसर कैसा है तो मैं आपको ये बोलूँगा भाई बहुत सही ढंग का सेंसर है। उसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में जो है मुझे सॉफ्टवेयर इसका काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा जो है आपको इधर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली इनका जो सॉफ्टवेयर है IQE, अब IQE बोल लो या जो भी इसको बोलना है ICUE समथिंग जो है इसका नाम है। सो ये जो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर है ये आपको मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं वैसा ही है, कुछ इसमें अनोखा तो मिलता नहीं है आपको, यानी कि बेसिकली आप इसमें सारी की सारी जो अपने RGBs है आपके कीबोर्ड की RGB, आपके PC की पूरी RGB, आपके PSU की RGB, आजकल PSU वाले आपको RGB वाले PSUs भी मिल रहे हैं तो उसकी RGB, आपके कैबिनेट के फैंस की RGB, और उसके बाद आपके माउस की, आपके कीबोर्ड, मतलब जितनी भी आपकी RGBs है और वो आप सारी की सारी इससे कंट्रोल में कर सकते हो, मतलब बेसिक जिसे आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर में आजकल मिल रहा है। तो वैसा ही इनका भी एक सॉफ्टवेयर है IQE, जो भी अभी मैं नाम इसका बोल नहीं पा रहा हूँ तो उसे रहन देते हैं। सो आप इनका सॉफ्टवेयर भी जो है वो प्रेफर कर सकते हो। सो अगर आपको माउस की RGB के साथ कुछ करना होगा तो बेसिकली आपको इस सॉफ्टवेयर में जाना होगा और उसमें जाकर के आप इसकी माउस की सेटिंग्स जो है RGB की वो चेंज कर पाओगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इस माउस के साथ काफ़ी अच्छा है और लगभग मैं इसे अभी लगभग 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ एंड इन माई ओपिनियन काफ़ी जो कम्फर्टेबल माउस है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए आप इसे यूज़ में ले सकते हो और मुझे वैसे सेंसर में कोई दिक्कत नहीं लगी। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रिपी माउस है, लेकिन जो इन्होंने इधर प्लास्टिक यूज़ किया है मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा माउस है, 2500 थोड़ा एक्सपेंसिव की तरफ हो जाता है माउस में, तो मेरे हिसाब से जो है इधर अगर हमें रबर मिलता तो ज़्यादा बेटर होता और ओवरऑल जो ग्रिप है वो भी ज़्यादा अच्छी लगती, मतलब और ज़्यादा कम्फर्टेबल टोटली माउस हो जाता था। सो वो एक चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। सेकेंड चीज़ इसकी प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर है। सो अगर आप ब्रांड प्रेफर कर रहे हो तो बेसिकली आप क्वालिटी प्रेफर करते हो ओवर क्वांटिटी, यानी कि कोई चीप ब्रांड का माउस नहीं लेना चाहते हो, एक ब्रांड पर्टिकुलरली ब्रांडेड एक माउस लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा माउस है। थोड़ा ज़्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा इसमें, बेसिकली 2500 रुपया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है माउस के लिए मेरे हिसाब से। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सेंसर जो है आपको 1500 रुपये के माउस में भी मिल जाएगा वही सेम सेंसर, तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप ऐसे भी पैसे बचा सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रांड प्रेफर करते हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगाओ और ब्रांड वाला माउस लो। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन Corsair M55 RGB Pro गेमिंग माउस। सो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो
उसके अलावा क्या करते हैं, आप बस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय।